गाने भी हैं, टोटल 4 गाने हैं, 2 आ चुके हैं, 2 अभी आने बाकी हैं, 2 अभी आएंगे, और जब वो आएंगे तब बात करेंगे। हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल अपडेट्स लेकर आया हूँ, स्पेशली अबाउट भुवन बाम एंड अरमान मलिक कोलैबोरेशन। अरमान का सॉन्ग है क्या, करना है साथ में गाना, बट थैंक्स टू हिम वो आए प्रेमियर पे मेरे लिए, और बहुत अच्छा लगा कि वो प्रेमियर पे आए, उन्होंने देखे कुछ एपिसोड्स, बढ़िया करेंगे, कुछ जल्दी करेंगे। भुवन बाम की वेब सीरीज डिंडोरा की पूरे एल्बम की सॉन्ग डिटेल्स, जो अपकमिंग आने वाले हैं उन सॉन्ग्स के टाइटल्स, ड्यूरेशन और सिंगर्स कौन होने वाले हैं उस सॉन्ग्स के, ये सारे डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। क्या भुवन बाम की डिंडोरा में बाकी 2 सॉन्ग्स में अरमान मलिक होने वाला है, या फिर अरमान मलिक के साथ कुछ और प्रोजेक्ट है भुवन बाम का, सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक करिए, और साथ ही साथ अरमान मलिक का न्यू सिंगल और भुवन बाम के साथ कोलैबोरेशन के बारे में भी आपको पता चलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही अपडेट्स के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं भुवन बाम की डिंडोरा की पूरे एल्बम के बारे में, जिसमें से 3 सॉन्ग रिलीज हो गए और 2 सॉन्ग्स अभी बाकी है रिलीज होने, जो आगे के एपिसोड्स आने पर रिलीज होंगे। जैसे कि आपको पता है, डिंडोरा का पहला सॉन्ग था डिंडोरा का टाइटल ट्रैक, जो सबसे पहले रिलीज हुआ था, इस सॉन्ग का सिंगर थे कैलाश खेर। और सेकेंड सॉन्ग था डिंडोरा का थीम, यानी भुवन बाम का वीवी की वाइंस का थीम सॉन्ग, जिस सॉन्ग का टाइटल है तंग तना तंग, और सिंगर है स्नेहा खानवलकर। फिर डिंडोरा का 3rd सॉन्ग रिलीज हुआ था रिसेंटली ही, दीदी सॉन्ग बाय टीटू मामा, जिसका आर्टिस्ट भुवन बाम है टीटू मामा की आवाज में, जिस सॉन्ग को बहुत ही ज्यादा प्यार मिला है। फिर फाइनली बात करते हैं डिंडोरा का 2 और सॉन्ग्स के बारे में, जो अपकमिंग रिलीज होने वाला है अपकमिंग एपिसोड्स में, जो डिंडोरा का 4th और 5th सॉन्ग होने वाला है। तो डिंडोरा का 4th सॉन्ग का टाइटल है साजिश, ये एक सैड रोमांटिक सॉन्ग होने वाला है, और इस सॉन्ग का ड्यूरेशन होने वाला है 4 मिनट 40 सेकंड्स। डिंडोरा का ये सबसे ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन वाला सॉन्ग होने वाला है, और इस सॉन्ग का सिंगर है रेखा भारद्वाज और भुवन बाम खुद उनके अपनी आवाज में। फिर डिंडोरा का 5th और लास्ट सॉन्ग का टाइटल है बन गई जिंदगी, इस सॉन्ग का ड्यूरेशन होने वाला है 3 मिनट 6 सेकंड्स, और सिंगर है भुवन बाम, और ये सॉन्ग भी अपकमिंग एपिसोड्स के साथ रिलीज हो जाएंगे। प्रोबेबली ये एक हैप्पी सॉन्ग होने वाला है। और आप कमेंट करके बताना क्या आपने डिंडोरा के सारे रिलीज हुए एपिसोड्स देख लिए हैं। और आप बात करते हैं अरमान मलिक का भुवन बाम की डिंडोरा में होने का, या फिर भुवन बाम और अरमान मलिक की कोलैबोरेशन के बारे में। भुवन बाम ने कंफर्म कर लिया कि अरमान मलिक के साथ भी उनका कुछ आने वाला है। उससे पहले आपको बता दूं, आपको पता होगा अरमान मलिक और भुवन बाम बहुत पहले से अच्छे फ्रेंड्स है, और वो बहुत पहले से साथ में कुछ करना चाहते थे, लेकिन भुवन बाम अपने वेब सीरीज को लेकर बिजी थे। और फाइनली जब डिंडोरा रिलीज हुआ, तो डिंडोरा के प्रीमियर में अरमान मलिक भी गए थे, और सारे फ्रेंड्स एज्यूम करने लगे अरमान मलिक भी डिंडोरा में, या फिर अरमान मलिक के सॉन्ग डिंडोरा में हो सकता है। तो इंस्टाग्राम लाइव पे भुवन बाम को अरमान मलिक के बारे में किसी ने पूछा कि अरमान मलिक के सॉन्ग भी डिंडोरा में होने वाला है, तो भुवन बाम ने क्या रिप्लाई दिया, आप भी देखिए। अरमान का सॉन्ग है क्या, नहीं भाई अरमान भाई का सॉन्ग नहीं है, हमें करना है साथ में गाना, बट थैंक्स टू हिम वो आए प्रेमियर पे मेरे लिए, और बहुत अच्छा लगा कि वो प्रेमियर पे आए, उन्होंने देखे कुछ एपिसोड्स, बढ़िया करेंगे, कुछ जल्दी करेंगे। तो जैसे कि आपने सुना, अरमान मलिक का सॉन्ग डिंडोरा में तो नहीं, लेकिन वो बहुत ही जल्द साथ में कुछ करने वाले हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अरमान मलिक का न्यू सिंगल बहुत ही जल्द रिलीज होने वाले हैं, और उन्होंने इसके बारे में फैंस को अपना रिएक्शन दिया है, और ये उनका नेक्स्ट इंग्लिश इंटरनेशनल सिंगल होने वाला है। तो आप देखिए उनका इसके बारे में रिसेंट ट्वीट, हेयर द मस्टर ऑफ माई न्यू सिंगल एंड इट गॉट मी इन माई फील्स, आई कैनॉट वेट टू शेयर दिस विथ यू। तो आप देख सकते हैं अरमान मलिक का रिएक्शन उनका ही अपकमिंग सिंगल सुनने के बाद। तो आप कितना एक्साइटेड है इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हमारे ये अपडेट्स पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट करना, बहुत ही मेहनत लगता है, थोड़ा सपोर्ट करना। और आप इंस्टाग्राम पर है तो फॉलो कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।